दर्शकों आप सभी को बता दूं कि वर्ष 2012 में बाल अधिकार संरक्षण के लिए पोक्सो एक्ट लाया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी सुविशेष प्रस्तुति में। दर्शकों किसी भी काम को रोकने के लिए इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन क्या हम इसके बारे में सचेत हैं और अपने बच्चों को इसके बारे में शिक्षित कर रहे हैं। जब सवाल बच्चों की सुरक्षा का हो तो ये हर माता पिता की चिंता का विषय है, लेकिन इस पर भी एक सवाल है कि क्या हम सच में उनकी सुरक्षा और भविष्य के लिए चिंतित हैं, या हमारी चिंता महज अच्छे मार्क्स की है। क्या सुरक्षित भविष्य का मतलब हमारे लिए सिर्फ अच्छे मार्क्स और डिग्री है? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि आपका बच्चा कितना खुश है और कितना डरा हुआ, या किस बात पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आपने कभी अपने बच्चे को सही और गलत की जानकारी दी? क्या आपने कभी ये बताने की कोशिश की कि सही स्पर्श यानी गुड टच या गलत स्पर्श यानी बैड टच क्या होता है? जब हमने बच्चों से इससे जुड़े सवाल किए तो बच्चे जवाब नहीं दे पाए। क्या नाम है आपका? फराज खान। फराज मुझे बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सुबोध। सुबोध में। कौन से स्टैंडर्ड में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम छठी में। सिक्स क्लास में पढ़ते हो। गुड टच और बैड टच क्या होता है जानते हो तुम? गुड टच और बैड टच क्या होता है? आप मुझे एक चीज बताओ, स्कूल में आपको सिखाया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? क्या सिखाया बताओ? गला हाथ लगाना। हाँ। और गलत हाथ लगाना। और तुम पता है कितना सेफ फील करते हो तुम जब स्कूल जाते हो कॉलेज जाते हो? तब थोड़ा ही करते हैं, ज्यादा थोड़ा फील करते हो। क्या रीजन है उसके पीछे? रीजन भाई कोई मतलब ले जाए ऐसे ऐसे होता है। फैजान मुझे एक चीज बताओ, कौन सी क्लास में और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मोतीगटला में। मोतीगटला में पढ़ते हो? अच्छा, कौन सी क्लास में? 7। स्कूल में या फिर बाहर जब खेलने जाते हो कोई आदमी गलत तरीके से छूता है तो समझ में आता है? नहीं, नहीं आता समझ में। अच्छा, कभी स्कूल में या पापा मम्मी ने समझाया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? नहीं, नहीं सिखाया। आज तक पेरेंट्स ने या किसी ने बताया गुड टच और बैड टच में अंतर क्या होता है? पेरेंट्स ने, टीचर्स ने? नहीं बताया। नहीं बताया। कहते हैं कि परिवार पहली पाठशाला होती है और माता पिता पहले शिक्षक, और बच्चों को सही और गलत की जानकारी देने का काम पेरेंट्स ही कर सकते हैं। लेकिन जब बात उनकी जिम्मेदारी और उनकी जानकारी की आई तो अधिकांश बच्चों के पेरेंट्स का जवाब या तो चुप्पी था या नहीं। अगर बात करें तो गुड टच और बैड टच आज तक सिखाया आपने बच्चों को? गुड टच और बैड टच क्या होता है? हाँ, ये व्हाट्सएप ने, व्हाट्सएप पे जो वीडियोस आते हैं उसने बहुत हेल्प करी है। मेरी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, उन्होंने भेजा था मुझे वीडियो, तो उसमें ये पूरा था। तो मेरी एक डॉटर है, अभी वो 8 ईयर्स की हुई है अभी जनवरी में, बट हाँ 7 ईयर्स की थी तब मैंने उसे वीडियो बताया था, तो उसको थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में। गुड टच और बैड टच क्या होता है बच्चों को कोई बताया आपने? हाँ? नहीं बताया। आप बताइए गुड टच और बैड टच क्या होता है, बच्चों को बताना चाहिए? हाँ, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है आज के, आज का वातावरण जिस हिसाब से उसको लेकर, तो ये चीज़ बतानी बहुत हद तक ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना तो फैमिली वालों का विश्वास है ना बाहर वालों का विश्वास है, इसलिए बच्चों को इसके बारे में जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है। कितने साल के बच्चे हैं आपके? हमारे 10 साल के बच्चे हैं। 10 साल के बच्चे? कितने बच्चे हैं? 10 साल के हैं, 18 साल के हैं। अच्छा, आपने बताया बच्चों को कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? ये हमने बताया, कभी नहीं बताया। जब हमारे सामने इस तरह की घटनाएं आती है तो हम अपराधी को दोष देते हैं, लेकिन एक और अपराधी है
जिससे हम सवाल नहीं करते हैं अपने आप से। क्या आप एक जिम्मेदार माता पिता हैं? क्या आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई है? और क्या जिम्मेदारी नहीं निभाना कोई दोष नहीं होता? इस सवाल का जवाब शायद हम सब बेहद अच्छे से जानते हैं। इसलिए दर्शकों, अब आप सभी को बताते हैं पोक्सो एक्ट से जुड़े कुछ नियम और कानून। एक जिम्मेदार अभिभावक को अपने बच्चे से जुड़े हर कानून की जानकारी होनी चाहिए। बच्चों के साथ दुष्कर्म की वारदातों में बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों के साथ आए दिन यौन अपराधों की खबरें समाज को शर्मसार करती नजर आती हैं। इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या देखकर सरकार ने साल 2012 में एक विशेष कानून बनाया जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है, और इस कानून को नाम दिया गया पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। ये एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। साल 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा तय की गई है, जिसका सख्ती से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन वो मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गंभीर चोट पहुंचाई गई हो। इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के अंदर वो मामले रजिस्टर किए जाते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेड़छाड़ की जाती है। इस धारा के आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है। इसमें बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी सजा का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आ जाता है। ये कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत रजिस्टर होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है। तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए, और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे, ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है, कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर
उसे बताना है जिस पे आपको भरोसा है। मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 10-9-8 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। चलिए जानते हैं डॉक्टर अनीता गौतम से कि किस तरह बच्चों की मनोदशा को समझा जा सकता है। सबसे पहले तो जिम्मेदारी जो बनती है वो माँ बाप की, समाज की, प्रशासन की, टीचर्स की, प्रिंसिपल की, सबकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले तो ये सोचना बंद करें कि ये जो हुआ है किसी और के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं होगा, हम बिल्कुल सेफ है। क्योंकि ये जो केस है पीडोफीलिया का, आप माने अगर हम आंकड़े देखें तो 80% केसेस के अंदर जो बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हैं उनके अंदर ये लोग बच्चों के नोन होते हैं, उनके चाचा, ताऊ, उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनके नौकर, मेड, यही सब लोग जो होते हैं जो बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हैं। तो कैसे इन लोगों को पहचाने? तो सबसे पहले जिम्मेदारी आती है माँ बाप की। माँ बाप और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जहाँ ये कम्युनिकेशन गैप आता है वहीं बच्चे अपने माँ बाप से कट जाते हैं, वो बताते नहीं अपने मन की बातें। दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है कि समाज का। हम लोग ये देखते हैं कि उसके चाचा ने ऐसा करा है या कि घर में किसी और ने ऐसा करा है, तो सब लोग ये कि ये बात छुपा दो। क्यों? क्योंकि चाचा तो एक आदमी है, वो परिवार का एक कमाने वाला सदस्य है। अगर उसको जेल हो जाएगी उसके, तो हमारे समाज में कितनी बदनामी होगी। जहां आप ये स्टेप उठाते हो वहीं आप एक अपराध को बढ़ावा देते हो। फिर जो जिम्मेदारी बनती है टीचर्स की बनती है, स्कूल की बनती है, क्योंकि बच्चे का सेकेंड स्टेप होता है वो स्कूल होता है, कॉलेज होता है। स्कूल्स के अंदर टीचर्स को, हर एक टीचर को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चों का व्यवहार, बच्चे माँ बाप के साथ साथ टीचर्स भी बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था या स्पोर्ट्स में अच्छा था, आजकल वह उतना ज़्यादा अपना समय नहीं दे पा रहा है, डरा हुआ सा रह रहा है, घबराया सा रह रहा है। कोई भी टीचर ऐसी घटना या ऐसे बच्चे को देखे तो उससे बात करें, उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करें कि ये बच्चा डरा हुआ रह रहा है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। शिकायत पेटी होती है जिसके अंदर बच्चे अपनी कोई भी शिकायत डाल सकते हैं। जो केस हम देखते हैं वो 5 से 15 साल के बच्चों के बीच में होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि सही और गलत क्या है। तो क्या ये परिवार की और टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिनका हो रहा है उसकी एजुकेशन उन्हें दी जाए? बिल्कुल, बच्चे को ये नहीं पता नहीं है कि बैड टच और गुड टच क्या है, पर बच्चों को ये पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, यह चीज़ नॉर्मल नहीं है और बच्चों के साथ नहीं हो रही है, सिर्फ मेरे साथ हो रही है, घर पर नहीं हो रही है। तो उसको पता है कि क्या गलत है क्या सही है। बैड टच गुड टच के बारे में आप 5 साल से 4 साल से अपने बच्चे को जानकारी देना शुरू करें। अगर हम मानते हैं कि इस प्रोग्राम को देख के अगर एक भी बच्चा बच जाता है, एक भी माँ बाप अपने बच्चों से उस बात को पहचान पाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कोई गलत चीज़ हो रही है और उस चीज़ को रोक देते हैं, तो मैं मानूंगी इस प्रोग्राम का उद्देश्य सफल हो गया। दर्शकों, बच्चे हमारी पहली प्राथमिकता है। उम्मीद करते हैं कि अपना समय बच्चों को जरूर देंगे, उनके बाल मन को समझने की कोशिश करेंगे और कुकर्मों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।